हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के VLDA साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके साथ साथ इस घंटी को भी बजा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। सबसे पहले इसने कहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किस रेशियो में? m1:m2 में, ठीक है। और जब ये इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो यही फॉर्मूला रहेगा। यहाँ m1x2+m2x1 बाय में m1+m2 और m1y2+m2y1 बाय में m2+m1। इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पहले क्या है 12, फिर क्या आएगा 21, 12 21 और बाय में m2+m1। याद रखने का तरीका यही है, m1x2+m2x1 यानी 12 और 21 बटा में क्या आ जाएगा m1+m2, और y वाले में यहाँ x की जगह क्या लगा देना है, बस y, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? जैसे एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया पी, ठीक है। ये किस रेशियो में कट कर रहा है? m1:m2 में कट कर रहा है। इस पॉइंट को जब निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब हम एक्स निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये फॉर्मूला लगेगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बड़ी अच्छे से बता दिया भाई कैसे अप्लाई होगा। अब करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-3, 8 and 5 इन द रेशियो 3:1। बस कुछ नहीं देखना है, x1 y1 x2 y2 देखना है। तो यहाँ देखिए आप, आपका x1 कितना है? x1 है जी 4, y1 कितना है? -3, x2 कितना है? 8, y2 कितना है? 5, और m1 कितना है? 3, m2 कितना है? 1। बस ऐसे ही अब x निकालेंगे तो फॉर्मूले में रखेंगे क्या, m1 x2, m1 कितना है? 3 है, x2 कितना है भी? 8 है, तो 8 3 24। फिर लिखेंगे m2 x1 यानी 4 × 1, ठीक है। तो 4 × 1 करेंगे 4 आएगा, बटा में m1+m2, 3+1 4 हो गया। तो 24 और 4 28, 28/4, 4 से भाग करूँगा तो x कितना आ गया? 7 आ गया। अब बच्चों, x की वैल्यू तो आ गई 7, y फिर निकालना है। तो y निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, m1 × y2, तो 3 × 5 15 प्लस m2 × y1 यानी -3 बटा में m1+m2, तो 15 में से 3 गया 12/4, 4 3 12, लो जी पॉइंट आ गया 7 और 3। कितना का मुश्किल है यार, आसान सा है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। इन पॉइंट को जो लाइन जॉइन कर रही है, ए और बी, ये पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट हाँ इसने दिया -4 और 6, कि ये किस रेशियो में डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। रेशियो को मान लेंगे बच्चों k:1, कितना मान लेंगे? k:1, और इसी के हिसाब से अब क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसने क्या कहा, x वाला पॉइंट पहले लेते हैं, तो x की वैल्यू इसने हमें दे रखी है -4। m1 अपन ने कितना लिया? k। m1 के साथ क्या आता है बच्चों? x2। x2 कितना है भाई? 3। प्लस में m2, m2 एक है, और x1 कितना है बच्चों? -6। बटा में क्या है? k+1। ये k+1 इधर जाएगा तो -4 के साथ गुणा करेगा, -4 के साथ गुणा करेगा तो -4 × -4। अब इसको लिखूँगा बराबर में 3k+(-6), तो 3k और 4k इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6 वहाँ माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3k 4k कितना हो जाएगा? 7k। तो ये आया बच्चों 2/7 बराबर में क्या आया? k। अब एक छोटी सी बात देखो कि हमने इसको लिखा k:1, तो इसको लिखूंगा मैं 2:7, तो m1 m2 कितना आया? 2:7 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मेरे साथियों थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ट्राई सेक्शन के हमें क्या करने हैं? पॉइंट निकालने। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? एक लाइन है भाई, कितने हिस्सों में बांट रही है?
तीन हिस्सों में, ये लो तीन हिस्से बन गए। तो ये दो पॉइंट निकालने, जब हम ये पॉइंट निकालेंगे तो एम वन वन होगा और एम टू टू होगा, ये निकालेंगे तो ये टू होगा ये वन होगा। इन दोनों रेशियो को लेके एक्स और वाई वाला पॉइंट निकालना है बच्चों। अब कैसे निकालना है, बिल्कुल अच्छे से समझ गए आप कि एक बार तो मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू एम वन इंटू में एक्स टू, कितना देगा माइनस का सात, प्लस में एम टू इंटू में एक्स वन, टू टू जा फोर, और ये कितना हो गया तीन, माइनस सात में से चार प्लस होगा तो माइनस तीन बटे तीन, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक। इसी तरह से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एम वन इंटू में वाई टू चार, प्लस में एम टू इंटू में वाई वन यानी माइनस चार, माइनस चार प्लस माइनस चार कितना हो गया जीरो, तो एक पॉइंट तो आ गया माइनस एक और जीरो। अब इसी तरह से बच्चों दूसरा पॉइंट निकालेंगे टू रेशियो वन से, ठीक है, तो टू रेशियो वन से एक्स निकालूंगा, एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या है एम वन है, एम वन इंटू में एक्स टू माइनस का फोर्टीन, ठीक है, प्लस में इसके साथ ये टू आ जाएगा, बाय में कितना आएगा मेरे साथियों दो और एक तीन, ठीक है, तो ये माइनस बारह बटे तीन, तो कितना आया माइनस का चार। इसी तरह से वाई का पॉइंट निकाल लेंगे, वाई इज इक्वल टू दो चौके आठ माइनस का दो बटा में तीन, तो छः बटा तीन यानी दो, एक पॉइंट आ गया बच्चों माइनस चार और दो, एक आया था माइनस एक और जीरो, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, ये तो मैंने अभी अभी आपको करवाया है, ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द फॉलोइंग इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो इनको क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो हमें निकालना है, और इसने कहा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट भी निकालना है। तो एक बार आप रेशियो निकालिए, तो मैंने कहा जब रेशियो आपको ना दे रखा हो के रेशियो वन ले लो, ठीक है। अब इसने कहा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है इसका मतलब पॉइंट क्या रहेगा जीरो और वाई रहेगा, तो वाई एक्सिस पे है बच्चों इसका मतलब पॉइंट क्या रहेगा हमारा जीरो और वाई रहेगा, जीरो और वाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब जीरो और वाई से निकालना है, अब एक्स की वैल्यू के की वैल्यू हमने कहा के रेशियो वन ले लो, एक्स हमारा कितना लेना है भाई जीरो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस वन एंड माइनस फोर, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो मेरे साथियों, ये कहता है कोई लाइन है ये वाली, इस पर दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, इसके ऊपर किसी बिन पॉइंट पे टच कर रही है यानी वाई एक्सिस पे टच कर रही है, एक्स कितना है जीरो, वाई की वैल्यू वाई ले लेंगे। तो इसने सबसे पहले पूछा किस रेशियो में, तो उस रेशियो को के रेशियो वन ले लेंगे। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो है, जीरो लिख दो भाई, बराबर एम वन कितना है भाई के है, ठीक है, इसके साथ हम क्या लिखते हैं एक्स टू के इंटू में माइनस वन माइनस के देगा, प्लस एम टू कितना है भाई वन है, वन की मल्टीप्लाई फाइव के साथ करेंगे ये आएगा, बाय में क्या आएगा के प्लस वन आएगा, ये इसके साथ जाएगा प्रोडक्ट करेगा तो जीरो, यहाँ रह गया माइनस के प्लस फाइव, तो बच्चों के एक जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आई फाइव, यानी रेशियो आया फाइव रेशियो वन। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो बच्चों y इज इक्वल टू फाइव रेशियो वन आया, ठीक है, तो फाइव की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है y टू के साथ, तो ये देगा माइनस का बीस, प्लस में y वन के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसकी करूँगा तो माइनस का सिक्स, बाय में कितना आ जाएगा पाँच और एक छः, तो बच्चों ये देगा माइनस का छब्बीस बटा छः, ठीक है, तीन से भाग दो से भाग करूंगा दो तीन छः दो से तेरह, यानी पॉइंट आया माइनस तेरह बटे तीन, जीरो माइनस तेरह बटे तीन, ये आंसर आ गया मेरे साथी। नेक्स्ट देखो भाई, इफ द पॉइंट्स सिक्स वन एट टू नाइन फोर पी थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है, इसके डायगोनल्स हैं
वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा इनका सेम होगा। तो आप क्या काम कीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए इस और इस पे, ठीक है, जो पॉइंट आएगा फिर इस और इस पे मिड पॉइंट लगा दो, फिर जो पॉइंट्स आएंगे दोनों क्या आने चाहिए भाई, सेम आने चाहिए। तो अब देखो लगा के, पहले देखो कॉर्नर, तो पहले देखो बच्चों कौन सा कॉर्नर किस तरह से लेना है, ठीक है। तो ड्रा कर लो एक बार ऐसे करके, ये लो जी ड्रा हो गया पैरेललोग्राम। यहाँ हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो ए और सी लेना है और बी और डी लेना है, बस हो गया आइडिया। अब पॉइंट ए और सी ले लो सबसे पहले, ए और सी का मिड पॉइंट लगाएंगे 6 + 9 = 15/2, एक्स आ गया जी, ठीक है। इसका वाई निकालूंगा तो वाई देगा 4 × 1 = 5/2, ये लो। अब इनका एक्स और वाई बराबर होना चाहिए बी और डी के, तो बी और डी पॉइंट निकाल लो भाई, मिड पॉइंट लगा दो, तो x1 + x2 8 + p/2 हो गया, और वो कितना होगा मेरे साथियों, 2 × 3 = 5/2। तो y एक्सिस तो बराबर है, इसका तो कोई चक्कर नहीं है, बस इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये देगा 15/2 × 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 8 + p है, 8 15 की तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कि वो रेशियो निकालिए जिनको इन लाइनों को जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको एक ही बात कह रखी है, रेशियो निकालना हो तो के रेशियो 1 मान लो बच्चों, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इस x के इक्वल -1 के इक्वल रखेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी m1 × x2, ठीक है, 6 के आ गया। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई इस -3 के साथ, बाय में लिखूंगा k+1, k+1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का k और माइनस का 1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस का 1, और इक्वल टू में कितना है 6k - 3, -3 है बच्चों, इधर जाएगा प्लस का होगा, तो -1 + 3, ठीक है, इक्वल टू में 6k, और ये k इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 = 7k, तो k की वैल्यू आई मेरे साथियों 2/7, और k को हम लिखते हैं k = 1, तो उसको लिख देंगे 2/7, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, कि ये लाइन सेगमेंट है x एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, वो रेशियो निकालना है, कोऑर्डिनेट आप खुद निकालना, अभी मैं रेशियो निकाल के आपको बता देता हूँ। तो k = 1 लेंगे साथियों, ठीक है, x एक्सिस पे है मतलब x और y, y 0 जो 0 उसको पकड़ लो, 0 = m1 × y1, m1 k है, y2 कितना है हमारा 5 है, तो ये देगा 5k, m2 × y1, तो ये माइनस का k, बटा में हो जाएगा k+1, तो ये तो उधर जाके 0 हो गया मेरे साथियों, इक्वल टू में k है 5k - 5, 5 इधर आके प्लस का, और 5 इसको डिवाइड करेगा, इक्वल टू में k रह जाएगा, k की वैल्यू आ गई भाई 1, तो आंसर आया 1:1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, इफ़ a एंड b आर, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि जो एपी है ना वो इसको कट कर रहा है 3/7 AB में, आप कुछ मत करो, आप यहाँ निकाल लो AP/AB, तो ये देगा 3/7, अगर हम निकाल लें AP/AB तो ये देगा 3/7, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, बस अब करना क्या है, पॉइंट निकालना है, 3/7 को लेके निकाल दो भाई, ये लो 3/7, m1 x का जब पॉइंट निकालेंगे तो m1 मल्टीप्लाई करेगा x2 के साथ, 6 आ गया, ये करेगा इसके साथ -14, और 3 + 7, तो ये कितना आया भाई -8/10, ठीक है। तो यानी इसको अब डेसिमल में करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी, नहीं डिवाइड नहीं करोगे तो 4/5। फिर y निकाल लो, जब y निकालोगे तो 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, -12, फिर हम बात करेंगे 7 की, तो 7 की -14 के साथ, बटा में 10 हो गया, ये लो जी -26/10, 2 से भाग दोगे तो -13/5, आपका पॉइंट आ गया भाई, ठीक है, कोई गड़बड़ है तो बताओ, एक तो आया -4/5, एक आया आपका 13/5, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस, इन पॉइंट से वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब दोनों से बराबर है, तो एक ऐसा रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, ये कोई लाइन है,
यहाँ ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बस दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, बराबर है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो एक बार इसकी इसके साथ डिस्टेंस निकालो। तो ये कहता है x2 टू माइनस एक्स वन, यानी x माइनस सेवन का स्क्वेयर प्लस, ठीक है, y माइनस वन का स्क्वेयर हो गया, और इसका स्क्वेयर रूट बराबर होगा किसके भाई, तीन एक्स माइनस तीन के स्क्वेयर के प्लस, ठीक है, वाई माइनस पाँच के स्क्वेयर के। स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे साथियों। अब ये चीज़ है, इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो आपको अच्छे से आता है। इसका स्क्वेयर ओपन कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस का उनचास माइनस का 14x, इसी तरह से इसका वाई का कर लो, वाई स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में वन, उसके बाद माइनस टू वाई। इसी तरह से इधर वाले का सोल्व कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, वाई स्क्वेयर प्लस पच्चीस माइनस का दस वाई, जिससे जो कटता है एक्स स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद जो सिंपल है भाई, एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा वो निकाल लो आपका। यहाँ माइनस चौदह एक्स है और यहाँ x की वैल्यू कितनी है भाई, 6x है, माइनस का 6x इधर आके प्लस का होगा, तो यहाँ माइनस 8x बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस का 2y है, यहाँ माइनस का 10y है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 10 कितना बचेगा, 8y, यहाँ प्लस का 49 है, यहाँ प्लस का 25 है। ठीक है, 49 और 1 50 हो गया, 25 और 9 कितना हो गया बच्चों, 34 हो गया, 50 में से 34 माइनस जाएगा तो प्लस का 16 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से जो आपका कॉमन आता है, 8 कॉमन आता है, कॉमन ले लो, अंदर रह गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0 था, तो ये रिलेशन आ गया बच्चों, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस का 2, ये आपका रिलेशन आ गया, बस ये निकालना था। नेक्स्ट देखिए भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको हम करेंगे कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जो इससे इक्विडिस्टेंट है। तो एक्स एक्सिस पे निकालना है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई कितना है, जीरो है, वाई कितना है, जीरो है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंस, जो इससे क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब रेशियो कितना लेना है, 1:1। ठीक है, बस यही काम करना है, 1:1, और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब x निकालना है हमें, तो y से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या है, m1 मल्टीप्लाई करता है x2 के साथ माइनस 2, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा प्लस 2, बटा में कितना आ गया भाई, 2, तो ये कितना देगा, 0/2, यानी x भी कितना है आपका, 0 है। बस बन गई बात, पॉइंट क्या आया, 0 0। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, और अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट रह गया है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, अपने अपने डाउट्स हैं आप टेलीग्राम पे ज़रूर डिस्कस किया करो, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करवा सकें। और बच्चों उसके साथ क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और इस बेल को भी दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।